आज ये शो मैं यहाँ पे बैठ के कंडक्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि एआई की बनाई हुई कोई ऐसी होस्ट एक दिन आपके सामने बिल्कुल मेरी तरह हो, बोलती हो, ऐसे ही दिखती हो, बातें करती हो और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सारी चीज़ें, यू नो, बिकॉज़ एआई का दौर है और वो आपके सामने जो है शो होस्ट कर रही हो सकता है फिर मेरी ज़रूरत ही ना। इसी तरह देख लें आप कितने सारे सिंगर्स ऐसे आ गए कि जो गाना गा रहे हैं और उनके जो गाने हैं वो उन लोगों के साथ मिक्स कर दिए हैं जो इस दुनिया में भी मौजूद भी नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आवाज़ें जो है वो उन नए सिंगर्स के साथ मर्ज करके जो है वो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंडिंग पे गाने आ रहे हैं। वो ये सब एआई का दौर है, ये सब कुछ एआई की वजह से हो रहा है। तो अब ये जो एआई के दौर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के दौर पे, हम अपने आप को इसके साथ कैसे मैच कर सकते हैं, हम इसके साथ कैसे चल सकते हैं एज बिगिनर, बिकॉज़ हम तो बिल्कुल अभी नए नए, हमें तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमने दुनिया का मुकाबला कैसे करना है, ठीक है, हमने अपने टैलेंट को कैसे इन्हेंस करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमसे बात करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। एआई एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, तो राइद अफजल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम जी। कैसी तबीयत है राइद साहब? तबीयत ठीक है, खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये जो एआई का दौर है अब, ठीक है, इसके लिए हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं, कैसे मर्ज हो सकते हैं और किस तरीके से ब्लेंड हो सकते हैं, ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, बाय द वे एआई से बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ये पिछले 11,000 साल की सबसे बड़ी ईजाद है, जो आखिरी इतनी बड़ी ईजाद थी जिसने इंसानी तहजीब का धारा मोड़ लिया था, वो फायर थी, 11,800 साल पहले ईजाद हुई थी। ये उसके बाद की सबसे बड़ी ईजाद है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छा यूज करेंगे वो कामयाब होंगे, जो इसको ठीक से यूज नहीं करेंगे वो नाकाम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं कि कोई कंप्यूटर लैब में पड़ी चीज है, ये पानी है, जैसे किचन में पानी है ना, हर फूड में पानी इस्तेमाल होता है, तेल इस्तेमाल होता है, उस तरह आपकी लाइफ के हर गोशे में, हर सेगमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब इस्तेमाल होगा। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका लाइफस्टाइल, उनकी इनकम 30% एक साल में ऑलरेडी बढ़ गई है, वाह, यानी वो 30% ज्यादा कामयाब हो गए हैं। वाह, तो अब आप हमारे बच्चों को बिलखसूस इसका इस्तेमाल आना बहुत जरूरी है। अब बहुत एक अजीब सी और खतरनाक बात बताने लगा हूं, अगर मेरी बात अजीब लगे ना तो बीच में मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? अच्छा। पिछले पिछले एक साल में हम 10 लाख स्टूडेंट्स को एआई की मदद से बोर्ड का पेपर निकाल के बनाना सिखा चुके हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक पेपर पे 3 दिन की तैयारी करके वो एआई की मदद से बी ग्रेड ले रहे हैं। रियली? जी, तो एक जो सेकंड, बोर्ड का पेपर, मगर जी किताबें तो उसने पढ़ी नहीं फिर सर, देखे ना, ये तो नुकसान नहीं हो रहा ना? एग्जैक्टली नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वही एआई जो बोर्ड का पेपर निकाल के दे देती है और नीचे नोट्स भी दे देती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कोई बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड हो, पेशावर बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, हाँ वो एग्जैक्ट पेपर निकाल के देती है, नीचे नोट्स देती है, बच्चे उसकी 3 दिन तैयारी करते हैं, उनका बी ग्रेड आ जाता है। हाय हाय। वो ही एआई फिर उन बच्चों को बाकी के सारे, यानी ये 1 महीना लग रहा है बोर्ड में बी ग्रेड लेने के लिए, 1 महीना बोर्ड में बी ग्रेड मिल जाता है 1 महीने की तैयारी में, बाकी का बच्चे सारा टाइम लगा रहे हैं इसी एआई की मदद से कैरियर डेवलप करने में, ई कॉमर्स सीखने में, नया नॉलेज गेन करने में। बताओ, तो अब ये और कौन कौन सी नॉलेजेस हैं जो हम सीख सकते हैं, कोई स्पेसिफिकली आप अगर वन बाय वन करके बता दें राइट साहब? जी, सबसे नंबर 1 ये है कि हर बच्चा एआई पे जाए, इंसान बड़ा एडल्ट जाए और जाके कहे कि मेरा ये नाम है, मेरी ये एज है, तुम मुझसे बेशुमार, और ये उर्दू में आप कहें, और तुम मुझसे जितने सवाल पॉसिबल हैं मुझसे पूछो,
और मुझे बताओ कि मुझे किस कैरियर में जाना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है। और फॉर डिटेल ये में अगर आपसे थोड़ा सा सवाल स्कॉल पूछना शुरू कर देगा, आपका फेवरेट रंग क्या है, आपको बच्चे पसंद हैं, आपको खिलौने पसंद हैं, आपको बुक्स पसंद हैं, आपको कौन से प्रोजेक्ट करते हैं, अगर ये सिचुएशन हो आप क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन हो क्या करेंगे, ये आपसे 15-20 सवाल पूछेगा और फिर एग्जैक्टली आपको बता देगा कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए, या आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, या आपको होस्ट बनना चाहिए, या आपको कोई लेबोरेटरी खोलनी चाहिए। ये एग्जैक्टली आपको बता देगा और ये लाइफ में पहली दफा होगा कि आपकी प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग होगी और वो एआई की मदद से।